दोस्तों नमस्कार मगध विश्वविद्यालय पार्ट वन सेशन उन्नीस से बाईस और पार्ट टू सेशन अठारह से इक्कीस और बीएड वाले भी स्टूडेंटों का रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी अपडेट पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपका रिजल्ट जो कहा गया था कि पच्चीस तारीख को जारी कर दिया जाएगा तो क्या जारी हुआ है या नहीं यदि हुआ तो किस तरीके से चेक करना इसकी पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम पेपर कटिंग को लगा चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा यहाँ पे कहा जा रहा है बीस साल पहले किया आवेदन अब मिला डिग्री जो कि मगध विश्वविद्यालय से यह अपडेट निकल के आ रहा है और उसमें भी जो भी मार्कशीटें आई हैं जो भी डिग्रियाँ इनको मिला वो भी गलत तरीके से मिला है गलत आ गया है तो जो भी करना चाहिए था फाइनली करना चाहिए था उसके बावजूद भी जो भी करता है इतने सालों के बाद भी गलत कर देता तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन दोषी है नेक्स्ट हम बात करने वाले थे जैसा कि आप टाइटल में भी देखा, देखा होगा कि पार्ट वन पार्ट टू और बी रिजल्ट के बारे में क्या बहुत ज्यादा ले जल्द का मतलब नहीं होता है तो इसके बारे में और भी अपडेट हम आपको देंगे दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक यानी मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद ने कहा है वार्तालाप में प्रेस वार्तालाप में पार्ट वन सेशन उन्नीस से बाईस और पार्ट टू सेशन अठारह से इक्कीस वाले स्टूडेंटों का परीक्षा फल यानी रिजल्ट अपरिहाय कारण से रिजल्ट को रोका गया जो कि आप सभी जानते हैं कि इन कारणों से रोका गया है नेक्स्ट यहाँ पे भी कहा जा रहा है बी सेशन उन्नीस से, से बाईस की अंतिम वर्ष की परीक्षा इनका भी रिजल्ट को रोका गया अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है जबकि यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाल करके साफ तौपे तो कहा था कि पच्चीस तारीख को आपको रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा पार्ट वन और पार्ट टू के लिए अलग अलग डेटें अलग अलग जितने भी पेंडिंग एग्जामें थे उन सभी का रिजल्ट को लेकर के डेट अनाउंसमेंट किया गया था और नेक्स्ट एग्जाम के बारे में भी बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम कब से होना है और रिजल्ट को लेकर के भी लेकिन फिर से एक बार मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने एक बार और परीक्षा फल प्रकाशित करने के जो डेट है उसे टाल दिया है वो कब तक आपकी रिजल्ट आएगी इसके बारे में भी आपको अपडेट दे देना चाहूँगा जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपका रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा जैसा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा से परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कहा गया है दोस्तों अगले महीने के बीस तारीख तक आपकी प्रकाशित की जाएगी रिजल्ट यानी अभी भी आपको एक महीना का समय है तो दोस्तों यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के भावना के साथ में खिलवाड़ कर रहा है जो कि उचित नहीं है उन्हें जब रिजल्ट नहीं देना था तो सीधे बोल देते कि हम दो महीना तीन महीना बाद ही देंगे लेकिन नोटिफिकेशन निकालने का क्या मतलब हो जाता है दोस्तों यहां पे एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही और गलतियाँ भी है जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं मार्किंग करना चाहूँगा यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तर पुस्तिकाएँ की जांच हो चुकी है मार्क्स का वेरिफिकेशन बाकी है दोस्तों जब मार्क्स का वेरिफिकेशन बाकी है तो आपने नोटिफिकेशन क्यों निकाला नहीं निकालना चाहिए था लेकिन आपने निकाला और उसके बावजूद भी फिर अपने ही बात को खंडित कर रहे हैं कि फिर आपका जो रिजल्ट प्रकाशित होगा वो नेक्स्ट मंथ में द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाए उसमें भी डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है तो द्वितीय सप्ताह का मतलब दोस्तों सात दूनी चौदह यानी पंद्रह से बीस तारीख के बीच में आपका रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए कहा जा रहा है जो कि यहाँ पर साफ तौर तो पर आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर डिटेल से जानकारियाँ दी गई है तो आप इन सभी जानकारियों को अपने मित्रों के साथ में साझा करना चाहते हैं तो साझा कर दीजिए ताकि आगे के लिए हमसे जुड़ सके और हम उन सभी के स्टूडेंटों के लिए कुछ ना कुछ करने का जो भी रहेगा वो मैं कर सकूं नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया था कल का डेट का ये अपडेट है और इस पेपर कटिंग को हम कल की डेट में हम बतलाए थे यहाँ पे कहा गया था पच्चीस तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तो अट्ठाईस से आंदोलन करना होगा लेकिन यहाँ पे बात आ जाती जब आंदोलन करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पे स्टूडेंट भी सहयोग नहीं देते जिस कारण से यूनिवर्सिटी इतनी आप सभी के ऊपर अत्याचार कर रहा है यदि आप सभी स्टूडेंट की समर्थन और सहयोग यदि होती है तो यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द आपकी रिजल्ट को प्रकाशित करेगा और रिजल्ट के इंतजार में कितने स्टूडेंट हैं तो लाख चालीस हजा, हजार से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया पेंडिंग है नेक्स्ट आपको जानकारियां देना चाहूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी दिया कि लंबित परीक्षाओं को परीक्षा कराने के लिए तैयारी में एम यू एनी मगध विश्वविद्यालय जुट गया है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन एग्ज़ाम के लिए तो जुट गया है लेकिन रिजल्ट कब देगा इसके बारे में फाइनली अपडेट नहीं किया है यहाँ पर लंबित रिजल्ट के बारे में यहाँ पर मैंसन किया गया कि कितने स्टूडेंट का लंबित परीक्षाएँ बाकी है दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा स्नातक यानी सत 2018 से कस पार्ट और स्नातक सत 2019 से पार्ट टू और 19 से 22 से बी एड सेकेंड ईयर और बीस से बाईस फर्स्ट ईयर और देख सकते हैं बिलिश सत्र बीस से इक्कीस और एम एड फोर्थ ईयर यानी जो है अठारह से बीस का और एम एड थर्ड ईयर उन्नीस से इक्कीस का एम एड फर्स्ट ईयर बीस से बाईस का बिलिश दो हज़ार बीस से इक्कीस का है और एम बी एम सी एम सी ए, ए फर्स्ट ईयर यानी सेशन दो हज़ार उन्नीस से इक्कीस का है एम बी एम सी ए थर्ड ईयर यानी सेशन अठारह से बीस का और एम सी ए थर्ड ईयर अठारह से इक्कीस एम सी ए फर्स्ट ईयर उन्नीस से बाईस का इन सभी स्टूडेंटों की लंबित रिज़ल्ट है यानी रिज़ल्ट आना बाकी है तो इन सभी स्टूडेंटों को जो कहा गया है कि आपका जो रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा यानी कि अगले महीने के पंद्रह से बीस तारीख के आसपास तो क्या वो हो भी डेट आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उस डेट को कंटिन्यू किया जाएगा यूनिवर्सिटी पे तो भरोसा करना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने भरोसा को तोड़ दिया है और स्टूडेंटों के भावना के साथ में खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया है इससे इसकी वजह से स्टूडेंट उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि उनकी जो रिजल्ट है अगले महीने के 15 से 20 तारीख के बीच में आ सके वहीं पे लंबित परीक्षाओं के बारे में बात करूं तो स्नातक पार्ट वन सेशन 2020 से, से तेईस और वहीं 19 से 22 पार्ट टू यानी पीजी वाला यानी स्नातकोत्तर के बारे में बात करूं तो प्रथम सेमेस्टर सत्र 19 से 21 और द्वितीय सेमेस्टर 18 से 20 का एग्जाम भी लंबित है और वोकेशनल कोर्स का भी वही हाल है तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन किया गया इन सभी डिटेल्स को अपने पास में रखने की आवश्यकता है जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मैं जिसके बारे में रिजल्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि कौन कौन से स्टूडेंट को रिज़ल्ट आना है तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको तुरंत अपडेट कर दें नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि परीक्षा कर्मियों ने दिया है यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा कर्मियों को दिया गया पहचान पत्र और इसके लिए जो भी अपडेटें हैं वो जल्द से जल्द अपडेट करना चाहिए और यूनिवर्सिटी को इस पर कहीं ना कहीं शांत रह जाता और इसकी जो वेबसाइटें हैं वो अभी तक करप्टेड है यानी अभी तक चालू नहीं हुआ नहीं है यानी सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सुधारने की आवश्यकता है यदि वेबसाइट ही नहीं सुधरेगा तो रिजल्ट कहाँ से प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों तो यूनिवर्सिटी के एक ही गलती नहीं गलती है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कम से कम यूनिवर्सिटी तो अपना नोटिफिकेशन या जो भी कुछ रहता है वेबसाइट के माध्यम से स्टूडेंटों को अपडेट करता रहा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो जाती है लेकिन यहाँ पे सभी के सभी चीज़ लंबी थे सभी के सभी लोग बेकार के ऐसे पढ़े हैं जिसके कारण स्टूडेंटों को दिक्कतें होती है तो यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो भी जानकारियाँ आई थी हमने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत